हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत है। आज का जो फॉल्ट है वो एलजी के एलईडी टीवी के बारे में है, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है और ये स्लो मोशन टाइप पिक्चर दिख रहा है इसमें, और इसे कैसे रिपेयर करेंगे आइए देख लेते हैं। टीवी का मॉडल नंबर है 32LB550। पैनल पहले हम निकाल लेते हैं बैकलाइट यूनिट से और इसे बैकलाइट टेबल पे रख के प्रॉपरली चेक करेंगे। अब पहले थ्योरी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो वी ऑन टेस्ट पॉइंट है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर ये जो लास्ट सोर्स कॉफ है, इससे होते हुए पैनल के ग्लास के अंदर के बनी हुई ट्रैक के थ्रू यहाँ पर वी ऑन टेस्ट पॉइंट पर मिलते हैं जाके। सबसे पहले हम यही करेंगे कि ये जो टेस्ट पॉइंट है इसमें वी ऑन का, उस पर चेक करेंगे कि वी ऑन जो पॉइंट पे हमें VGH वी ऑन वोल्टेज मिलता है कि नहीं, जो कि 27 वोल्ट के बराबर होने चाहिए, 24 से 27 वोल्ट। ऑफ है, उसका नंबर है 8656F और इसके सभी टेस्ट पॉइंट्स को हम घिसेंगे। जो इम्पोर्टेंट है VGH एंड VGL, ये दोनों टेस्ट पॉइंट को हम घिस लेते हैं पहले। अब वोल्टेज रीडिंग ले लेते हैं। वोल्टेज जो चेक किया वो -4 वोल्ट बता रहा है, जो कि VGH 24 वोल्ट के करीब आना चाहिए, उसकी जगह -4 आ रहा है। यहाँ हमारा फॉल्ट वाला पॉइंट है। और दूसरा जो वोल्टेज है वो -7.8 वोल्ट VGL, वो कंप्लीट है, लेकिन ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ये VGH है, उसकी जगह -4.0 वोल्ट आ रहा है। यहाँ ये हमारी जो रीडिंग है ये गलत है, इसे हमें ठीक करना है पहले। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं VGH टेस्ट पॉइंट से मैंने एक जम्पर लगाया हुआ है और ये जम्पर मैंने फिक्स कर दिया है वी ऑन टेस्ट पॉइंट के ऊपर, सोर्स PCB के ऊपर। और अब हम देख लेते हैं इसके बाद। यहाँ आप देख सकते हैं वी ऑन टेस्ट पॉइंट पे मैंने PF पे सोल्डर किया है इसको, और दूसरा एंड जो है वो गेट कॉफ के ऊपर फिक्स किया हुआ है। टीवी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं पिक्चर एकदम कंप्लीट है। इसे बैकलाइट टेबल से पैनल को निकाल कर हम इसकी बैकलाइट यूनिट के साथ असेंबल कर लेते हैं पहले। तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि पिक्चर एकदम क्लियर है। और दोस्तों, जो जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।